असलम व्यूज़ क्या हाल है आप सबका ठीक है मैं हूँ गुड़िया काशिफ और अल्लाह ताला मेरी दुआ है आप सबको अपने घरों में सुकून से इतफाक़ से और प्यार मोहब्बत से रखे और हर बीमारी से दूर रखे तो आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू चिकन तो आप ये देख रहे हैं वन के जी चिकन जो है आपके सामने है तो मैं वन के जी चिकन का बारबेक्यू चिकन बनाऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं बिसमीम है तो सबसे पहले वन के जी चिकन में हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून यानी कि बड़ा चम्मच जो है आधा वो हम लाल मिर्च पाउडर का डालेंगे हाफ़ टी स्पून जो है हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स डालेंगे जो दादड़ मिर्च होती है हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी का डालेंगे और हाफ़ टी स्पून जो है हम इसमें ज़ीरा पाउडर का डालेंगे और नमक जो है वो भी हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे क्योंकि अभी मैंने इसमें वो भी डालना है तिका मसाला तो उसमें भी नमक होता है तो थोड़ा हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की थी और हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी और ये बड़ा मज़े का तैयार होता है और ये देखें जी हाफ टेबल स्पून यानी कि बड़ा चम्मच जो है आधा वो इसमें तिका मसाला का मैंने ऐड कर दिया और दो टेबल स्पून जो है मैं इसमें लेमन जूस के ऐड करूँगी और जो है वन टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस का ऐड करूँगी और सोया सॉस जो है वो चिकन को बड़ा अच्छे से गलाता है और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ और वन टेबल स्पून जो है मैं इसमें चिली सॉस का ऐड करूँगी और ये बहुत मज़े का तैयार होता है हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और टू पिंच सिर्फ़ टू पिंचज़ जो है मैं इसमें ज़रदा रंग का ऐड करूँगी टू पिंच बहुत हैं हमारे चिकन को अच्छा सा कलर देने के लिए तो इसको मैं अच्छे से हला लूँगी और पाँच से छः घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी ताकि मसाला जो है इसमें अच्छे से मैरिनेट हो जाए और मेरे घर की बैल भी बज गई है लगता मेरा दूध वाला आ गया तो ये देखें जी चिकन का कितना प्यारा कलर आ गया ख़ास तौर तो पर ज़रदा रंग के साथ तो चिकन जो है अब हम इसको पाँच छः घंटों के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे और बहुत मज़े का तैयार होता है आप भी अपने घर ज़रूर ट्राई करें बग़ैर अंगीठी के पैन में आपको स्मोकी सा मज़े का चिकन ग्रिल्ड मिल जाएगा और ये देखें जी पाँच छः घंटे गुजर गए थे तो फिर मैंने अपने पैन में दो टेबल स्पून जो हैं वो ऑयल के डाले और इसमें मैं एक एक करके जो अपना चिकन है वो रख दूँगी और इनको ग्रिल्ड कर लूँगी आप ग्रिल्ड पैन में भी बना सकते हैं लेकिन मैंने सादा पैन में बनाया है क्योंकि बाद में मैंने इसको कोयले का जो है स्मोक वो तो दे ही लेना है <coughs> और सारी जो है मैंने इसमें चिकन की जो बोटियां हैं वो इसमें रख दी हैं और हल्की आंच पे मैं इसके ऊपर कैप दे दूंगी और जो बाकी की मैरिनेशन थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी और ये अब हम हल्की आंच पे यानी कि लो मीडियम फ्लेम पे हम ऊपर रख देंगे अपना चिकन और बार बार ढक्कन उठा उठा के हम इसे चेक करेंगे ये देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ा और बिल्कुल भी बीच में पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है चिकन ने ख़ुद ही हल्की आँच पर पानी छोड़ना है और खुद ही उसी पानी में गल जाएगा और इसको जो है आप लो मीडियम फ्लेम पे जो है बनाएं बार बार ढक्कन इसको उठा के तो इसकी साइड चेंज करते रहेंगे तो मेरे ख़्याल से लो मीडियम फ्लेम पे ये कोई पंद्रह पंद्रह से बीस मिनट लगे थे और मेरा चिकन इतना अच्छे से गल गया था इतना प्यारा कलर आया था ना कि बस बहुत मज़े का था और जब प्रेजेंटेशन चीज़ की हो अच्छी हो तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है खाने का ये देखें चिकन का जो पानी है वो खुश्क हो गया है और नीचे अच्छा सा थोड़ा थोड़ा मसाला है और ऑयल जो मैंने इसमें दो टेबल स्पून छोड़ छोड़ डाले थे ऑयल भी दिया चिकन ने और ये देखें कितनी मजे की इसकी लुक आई है और साथ वो साथ ही आग जलती तो देख ही रहे होंगे उसके ऊपर मैंने कोयला रखा हुआ है आग के ऊपर और ये देखें जी चिकन का हमारा कितना प्यारा कलर आया है तो ये देखें जी कोयला जो आ, है हमारा वो बन रहा था तो चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से गल गया है अब मैंने प्याज के छिलके का जो ऊपर वाला छिलका होता है उसका टुकड़ा लिया और उसके ऊपर वो जो कोयला था मैंने गरम किया हुआ था और थोड़ा सा वो रखा और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला और ये देखिए चिकन हमारा कितना अच्छे से तैयार हो गया आपने भी अपने घर ज़रूर ट्राई करना है और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे खुश रखे आबाद रखे अल्ला हाफिज़